ये देखो ये दिशा पटानी जी के पैरों के निशान है। hey! अगर मैं हीरोइन होती तो क्या आप मेरे पैरों के निशानों को भी ऐसे ढूंढ लेते? आपके पैरों से निशान नहीं, 10-10 फीट के गड्ढे बनते और वो सैटेलाइट से भी दिख जाते। मैं भी जब सेलिब्रिटी बनूंगी ऐसे ही समंदर किनारे टहलूंगी। ओ भैया खाने में क्या मिलेगा? जी हाँ मैडम, ये लीजिए, ये पोस्टर खाना पड़ेगा। पूरी दुनिया जहाँ मैगी खा रही थी, यहाँ लोग मीगी खा रहे थे। अरे ये ड्राइवर भैया तब से मूतने के लिए गए, अभी तक नहीं आए। सर आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा मुंबई मेरा इशारे पे चलती है। देखिए इस थार वाले को कैसे नचाता हूँ। ए लेफ्ट में जा। अबे थार के बच्चे लेफ्ट में घुमा। इसकी तो देखता इसको बाद में। फिर हमारी बीबी की एक मन्नत पूरी करने के लिए हम मन्नत पहुंच जाते हैं। ढेर सारे फोटो खिंचाने के बाद बीबी बोलती है, हम भी एक दिन अमीर बनेंगे। जल्दी वहां से हटो। शाहरुख के घर का खाना ना सही, बाहर का खाना खा के ही जाऊंगी आज। What? हो गया चलो। तुरंत ही हम वहां से जलसा के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में सलमान खान जी का घर आता है, जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हमको आतंकवादी समझ के गोली चला दी जाती है। अबे हमें क्यों मार रहे हो? आंख मूंद के गोली मार रहे थे, जान बची लाखों पाए। फाइनली हम आके पहुंच जाते हैं महानायक अमिताभ जी के घर जलसा में। भैया मुझे अमिताभ जी से मिलना है। वो भिखारियों से नहीं मिलते, भागो यहाँ से। जया आंटी देखिए किसको लाया हूँ मैं। कौन है ये? ये हमारी बीवी है। तुम कौन हो? मैं सिद्धि दास, बहुत बड़ा ब्लॉगर। सिक्योरिटी इनके छाते में गोली मार के भगाओ। ए बुड्ढी तू होती कौन है हमें भगाने वाली? हम खुद भाग रहे हैं। ये है अक्षय कुमार जी का घर। अक्कीपा जी फ्लॉप फिल्में देना कब बंद करोगे? कौन है बा? अरे सिक्योरिटी वाला आ गया, भागो भागो भागो। ओह नो। ये है अजय देवगन जी का घर। ए विमल भागो भागो भागो। फिर दूर से अंबानी जी के घर को दर्शन करके हम आगे निकल पड़ते हैं मुंबई की आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। जहां पहुंचते ही हमने देखा यहां फोटोग्राफर्स लोगों का गुंडा राज चल रहा था। दिन दहाड़े फोटोग्राफर्स मासूम लोगों को गोली मारने की धमकी दे रहे थे। मैडम देखिए इस तरह शूट करूंगा आपको, मांगता क्या? फिर अचानक एक फोटोग्राफर मेरे आंखों में काला चश्मा डाल देता है, जिससे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसका वो फायदा उठाने लगता है। मैडम ऐसे हाथ ऊपर करिए। वाह क्या बात है। अच्छा अब एक काम करिए, बैठ जाइए। कैसे बैठूं? अरे सुबह हगने बैठते हो वैसे ही बैठिए। देखो मैं कैसे बैठा हूँ। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। वन मोर प्लीज। अब इधर आइए इधर आइए। कुछ इस तरह हमारी मासूम बीबी को इस फोटोग्राफर ने अपने इशारे पे नचाते हुए 800 रुपए लूट लिए। हम लूट गए दोस्तों। अरे ये तो सिद्धिदास लग रहा है। हाँ भाई मैं ही हूँ। थोड़ी देर इस खूबसूरत सी जगह को निहारने के बाद हम मरीन ड्राइव की तरफ निकल पड़ते हैं। संभल के मैडम, इससे पहले वापस कोई फोटोग्राफर हमें शूट करने आए हमको निकलना होगा। मैडम शूट करूँ क्या? अबे ना। ये है मुंबई की फेमस मरीन ड्राइव, जहाँ इंसानों से लेके जानवरों तक हर कोई वक्त बिताने आता है। कितने बड़े बेवकूफ आप मैडम, ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? एक फोटोग्राफर से लुटवा के आए हो। अरे मैडम मेरे को बुलाना था ना, वो फोटोग्राफर को वहीं पेल देता। ये ओबरेई होटल है जिसपे 2008 में बम विस्फोट हुआ था। मुझे उस दिन बुखार था बोल के घर में सोया था, वरना उन आतंकवादियों की खटिया खड़ी कर देता मैं। अरे भैया बात बात पे सबकी खटिया खड़ी करने की बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास? दिखाऊं क्या? यस। अरे ये तो पद्दूमैन का बाप निकला। भैया बंद करिए, हमारी खटिया खड़ी कर दोगे क्या? Yeah.